एक तरफ जहां कांग्रेस जनाकांक्षा रैली को लेकर के पूरा दावा कर रही है और यह बता रही है कि पूरे पटना को उन्होंने चौक कर दिया है, गांधी मैदान में पैर रखने का भी जगह नहीं है, लेकिन वहीं उनके सहयोगी और हम पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की रैली यह पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। हालांकि आपको जैसी जानकारी मिली होगी और हमने आपको साझा भी किया था कि इस रैली को लेकर के महागठबंधन दो फाड़ है, भले ही बड़े बड़े नेता इस रैली में शिरकत करने के लिए अपनी स्वीकृति दे चुके हों, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस कांग्रेस की रैली से महागठबंधन कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहा है और असमंजस की स्थिति में है। हम पार्टी का कहना है और हम पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता दानिश रिजवान ने यह कहा है कि राहुल की रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि दानिश रिजवान ने इस बात को मीडिया में कहा है कि कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली फ्लॉप हो गई है। इसका असर अब कितना पड़ेगा महागठबंधन पर और रैली फ्लॉप हुई है कि नहीं हुई है, आप लगातार हमारे कैमरे से देख रहे हैं। हम आपको हर पल पल की अपडेट साझा कर रहे हैं। पूरी रात हमने पूरा दिखाया पटना कि हर नेता अपने घर पर, अपने आवास पर, सरकारी हो या फिर भाड़े पर लेकर के जगह जगह लोगों के ठहरने खाने पीने का व्यवस्था किए हुए हैं और इसके साथ ही अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इन सब के बावजूद यदि ये कहा जा रहा हो कि रैली असफल रही है तो ये चिंतनीय और महागठबंधन के लिए सोचने वाली बात जरूर है। दानिश रिजवान ने से हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही दानिश रिजवान से हमारी बात होती है हम आपको फिर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।